मैंने आप लोगों को सम्स भेजा था ग्रुप में कि आप लोगों ने आज अपने को हायर ऑर्डर करना था, राइट? Then its answer will be 1 minus x square divided by t square y by t square minus x divided by dx plus m square y equal to 0. देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, बस क्योंकि पूरा सेम है, खाली क्या एक्स्ट्रा है m square y.
If y is equal to e raised to m tan inverse x or y is equal to e raised to m cot inverse x, then 1 plus x square d square y by dx square 2x minus m dy by dx is equal to 0. If y is equal to a cos of log x plus b sin of log x, this form mein answer kya hai? X square d square y by dx square plus x dy by dx plus y is equal to 0. If y is equal to a e raised to mx b e raised to minus mx, उसका डबल डेरिवेटिव क्या आएगा? d square y by dx square minus m plus n dy by dx plus mn y is equal to 0. ये कुछ ऐसे शॉर्टकट से इसको याद रखोगे ना, आपको इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना? और ज्यादा कुछ ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, है कि नहीं? देखो ये चारों सम के लिए एक ही है शॉर्टकट, तो दोनों सम के लिए एक ही है शॉर्टकट, है कि नहीं? तो ये थोड़ा सा हेल्प करेगा आपको, लिख लो फटाफट से। नहीं,
मुझे बोला धनतेरस से मस्ती करना भी बच्चा मस्ती किया तो सत्य खाएगा जो खाने पर स्कूल में तो मेरे भी इसको रुका मेरे भी हाथ में चुनरी है पैसा ने आज का डाला किसे भी कैसे हो लिख लिया सब लोगों ने सबका हो गया लिखे
आंसर नाम डाल दो। देखो आपके बुक में जो सब दिए हैं, ज्यादा से ज्यादा सीवीटी का क्वेश्चन उन लोग हायर ऑर्डर का ही देते हैं, हायर ऑर्डर और पैरामीटर, राइट? क्योंकि इसमें सब सिंपल भी डालना है उन लोगों को, हायर ऑर्डर के डालना है। चलो इसको दो बार डिफरेंशिएट करो, एक बार क्यों डिफरेंशिएट करा है जब उसी मार्क्स में दो डबल डेरिवेटिव में करा सकता हूँ, तो फिर उसी मार्क्स के सिंगल डेरिवेटिव क्यों लिया? देखो सीईटी में भी सिंपल सिंपल क्वेश्चन का डबल डेरिवेटिव मुझे दिया हुआ है। पहला ही क्वेश्चन जो उन लोगों ने दिया है, ए साइन फाइव को टू टाइम डिफरेंशिएट करो, एमएसपी 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है, राइट? मैं तो ऐसा नहीं कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं आता, मैंने पहले बोला है कि एंट्रेंस एग्जाम में सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही आता है, राइट ना? एक भी डिफिकल्ट साउंड्स नहीं होता, लेकिन स्टूडेंट्स को लगता डिफिकल्ट है, क्योंकि जब एक ही दिन में है ना सारे सब्जेक्ट का एग्जाम तो हमें तो पता चलेगा, तो दिया नहीं है, रफ करो उसको, सब उसने लिख लिया है। तो स्टार्ट करते हैं फिर सिंपल सिंपल से। मैंने ये हायर ऑर्डर पे भेज दिया ना, ग्रुप में पूरा भेज दिया ना। देखो आज हम लोग इवनिंग में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। कौन सा? मैंने आपको मैक्सिमा मिनिमा सॉरी अप्रोक्सीमेशन नहीं सिखाया था, रीजन क्योंकि वो एंट्रेंस एग्जाम में है, बोर्ड एग्जाम में है ना। तो सबसे पहले हम लोग वही पार्ट देंगे जो आपको डिलीटेड है, सबसे पहले वो ही लेंगे, समझ में आया क्या था? उसको खत्म करते हैं, राइट? तो एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में सबसे पहला पार्ट हम पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशन, और दूसरा पढ़ेंगे रूल्स एंड एलएमबीटी, क्योंकि वो भी आपके पोर्शन से निकल गया है, मैंने गलती से लेकिन एलएमबीटी आपको पढ़ा दिया था, है ना? खाली रूल्स ही लिखा था, बट रूल्स एंड एलएमबीटी पूरा ही लिखे। तो ये दोनों एक्सरसाइज पहले हम लोग कर लेंगे, फिर तो उसके बाद जो बचा है दो एक्सरसाइज फर्स्ट और लास्ट वो हम लोग करेंगे। इज दैट क्लियर? क्योंकि वो आपको पढ़ा नहीं आपने, तो उसका मुझे कॉन्सेप्ट और स्टेप्स भी पहले लिख के देना पड़ेगा, राइट? तो उसको शॉर्टकट में कैसे अप्लाई करना है वो भी सिखाना पड़ेगा, ठीक है? तो पहले इसको देख लेते हम लोग, मैं क्वेश्चन लिखते जाता हूँ, आप लोग सॉल्व करते जाओ फटाफट, ठीक है? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, उसके बाद से कुछ बोर्ड का भी क्वेश्चन, मतलब एंट्रेंस में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो भी हम लोग लेते हैं, ठीक है ना? पहले हम लोग हाँ जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। देखो सब में क्या निकालना है, फाइंड बी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। सबसे पहला 291 क्या है क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टेन। चलो सॉल्व करेंगे फटाफट, दो बार इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बार दो बार, चलो फर्स्ट पास Thank you.
इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है एक्स रेस टू एन का, है कि नहीं? दिया सब लोगों ने, कितने लोगों को आया ये सम, दो बार डिफरेंशिएट कितने लोगों को आया? ठीक है, जिसको नहीं आया एक बार देख लो, डीवाई बाय डी एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर, देखो पाई एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, टू एक्स इंटू पाई कितना हो गया टेन एक्स, थ्री आ गया कॉमन, एक्स का डेरिवेटिव और टेन का डेरिवेटिव जीरो, तो फिनिश हो गया राइट। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया तो कितना आ जाएगा, देखो थ्री एज इट इज अगेन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, तो कितना आ गया सिक्स एक्स, टेन एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव वन और थ्री का डेरिवेटिव जीरो, इसका मतलब डी स्क्वायर बाय बाय डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया सिक्स एक्स प्लस राइट। ये किया सब लोगों ने, कितने लोगों ने किया? सबसे पहले क्या करना है, इसमें लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, ये हो जाएगा log of x square minus log of x square, ये आ जाएगा y is equal to 2 log x minus x log e, log e का वैल्यू कितना, y is equal to 2 log x minus x, अब इसको क्या करना है, दो बार डिफरेंशिएट, ये तो इजी है ना, अभी log x का डेरिवेटिव क्या होता है और x का डेरिवेटिव फटाफट, और फिर 1 by x का डेरिवेटिव minus x, दो बार डिफरेंशिएट करो इसको। Thank you.
हो गया सॉल्व, कितने लोग का हो गया? ठीक है, इसको नहीं आया देख लो एक बार। एक बार डेरिवेट करोगे डिवाइड बाय डीएक्स, तो टू एज इट इज लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स और एक्स का डेरिवेटिव वन बाय। सेकेंड टाइम जब आपने डेरिवेट किया तो वन बाय एक्स टू कॉमन आ जाएगा, वन बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, माइनस टू बाय एक्स स्क्वायर और वन का डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो। दिस इज द आंसर। अरे स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? फॉर्म में है कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स, फंक्शन वाला निकल रहा ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री कंपोजिट फंक्शन का फॉर्मूला। सारे फॉर्मूले जितना भी मैंने कंपोजिट का फॉर्मूला वगैरह लिख के दिया है ना, सबको एक साथ में लिख के रखो। देखो जिस दिन एंट्रेंस का मैंने स्टार्ट किया था उस दिन भी पूरे कंपोजिट का फॉर्मूला लिख के दिया था। देखो तो मैंने क्या सिखाया उसमें, dy by dx cos का डेरिवेटिव माइनस sin x और log x का डेरिवेटिव माइनस sin y। अगेन जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो देखो ये आ गया, ये आ गया माइनस कॉमन u by u, ये आ गया v स्क्वायर d by dx of minus d by dx of x as it is sine of f of x, sine का derivative और log x का derivative minus minus c
sine of log x as it is. X का derivative. तो देखो ये और ये गेट ये माइनस साइन के अंदर से ये जब भी अंदर जाएगा तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा राइट एंड दिस इज द फाइनल आंसर. चलो इसको डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा e raised to mx का e raised to mx into m e raised to minus mx का e raised to minus mx into second time इसको derivate किया e raised to mx का again e raised to mx एक और m आएगा क्या हो जाएगा m square ये भी आ जाएगा e raised to minus mx और again minus mx आएगा minus m से ये भी आ जाएगा m square. m square को ले लो common तो e raised to mx e raised to minus mx ये देखो and this is nothing but y ये आ गया m square y d square y upon d square का वैल्यू कितना आ गया m square y. लिख लो फटाफट इसको बोल रही है हो गया लिख के Yeah.
आपको यू वी रूल लगाना है e raise to f of x, sin f of x. और ये इनवर्स वाला है राइट ट्राई करो पहले नहीं आएगा तो मैं सॉल्व करके दूंगा दो दो बार बस डिफरेंशिएट करना है Thank you.
कितने लोगों ने ट्राई कर लिया? ठीक है, जिसको नहीं आया सब लोग बोर्ड पे देखेंगे। ये देखो dy by dx, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 4x का डेरिवेटिव आएगा 4 क्योंकि x का डेरिवेटिव होता है 1 और 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। एक बार और डेरिवेट करने गए, 3 आएगा कॉमन, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2x into 3 आ गया 6x। इसको डाउट है कोई स्टेप में? भाई डाउट है तो पूछते जाओ, खाली तुम लोग ऐसा बैठते हैं और बातें करते रहते हैं। कुछ लोग को देख रहा हूँ कुछ नहीं कर रहे, ये आते ही नहीं कुछ ना, बस खाली चुपचाप बैठे हैं, सीखने का भी ट्राई नहीं कर रहे। चलो फॉर्मूला निकालो, फॉर्मूला अप्लाई करो, ट्राई करो, ले आएगा सर से पूछ लो, ले आएगा चुपचाप बैठो, सर अभी सॉल्व करके देंगे ना, छापने छापने से आपको नहीं आने वाला।
समझ में आया क्या? इसलिए नहीं आ रहा है तो पूछो, पूछने से आता है। देखो ये किस फॉर्म में आ गया, e raise to f of x, e raise to f of x का डेरिवेटिव और 3x का डेरिवेटिव प्लस x क्यूब का डेरिवेटिव और 5 का डेरिवेटिव, करेक्ट है। अब इसको अगेन डेरिवेट करते हैं। देखो ये 3 को एज इट इज रहेगा, e raise to f of x का अगेन e raise to f of x, 3x का डेरिवेटिव 3, ये 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये कॉमन x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, कितना आ गया 6x, ये आ गया 9 e raise to 3x plus 6x, करेक्ट। देखो इसमें क्या अप्लाई करना है, मैंने क्या बोला था, u जब हम उसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो e raise to 4x as it is, sin 3x का डेरिवेटिव cos 3x और 3x का 3। देखो चेन रूल यही है, हर एक टर्म को आपको डिफरेंशिएट करना है। जैसे यहाँ पे देखो इसमें भी चेन रूल अप्लाई हुआ, जब भी वो कंपोजिट फंक्शन होता है तो उस पे चेन रूल अप्लाई करना पड़ता है। सबसे पहले कौन डेरिवेटिव होता है, e, e का डेरिवेटिव e, e raise to का e raise to, बाद में कौन डेरिवेटिव हुआ 3x, 3x का डेरिवेटिव कितना आ गया 3, करेक्ट है। सेम योर देखो e raise to 4, अब यहां पे u रूल अप्लाई कर रहा हूं ना, तो ये पहला एज इट इज रहेगा, इसको जब हम डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो सबसे पहले कौन डेरिवेटिव होगा, साइन, साइन का cos, बाद में 3x का 3 प्लस sin 3x एज इट इज, e raise to 4x को डेरिवेट करने जाएंगे तो e का डेरिवेटिव और 4x का डेरिवेटिव, बहुत सिंपल है यार, आपको बस डिफरेंशिएट करना हर एक टर्म को, राइट। और आप भी सीख लो अच्छे से, टाइम भी टाइम है, नहीं तो अभी ये टाइम चला जाएगा तो फिर सीखने को मिलेगा नहीं। तो किसी को कुछ डाउट है कहीं पे भी नहीं आ रहा तो पूछो, पूछोगे तभी जाके आएगा, सीखने का कोशिश करोगे तभी जाकर के आएगा, ठीक है। देखो एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ इसमें क्या अप्लाई करना है, यूबी कैसे मालूम पड़ता है कि यूबी अप्लाई करना होता है, भी दो डिफरेंट फंक्शन रहता है साथ में, या यूबी का तो ऐसा भी है डेरिवेटिव का कि अगर सेम सेम फंक्शन भी है मल्टीप्लाई में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, पहले को कॉमन रखने का दूसरे को डेरिवेट करने का, प्लस दूसरे को कॉमन रखने का पहले को डेरिवेट, राइट। पहले को कॉमन रखा, ये किस फॉर्म में है, साइन एफ ऑफ एक्स, सबसे पहले कौन डेरिवेटिव होगा, साइन, साइन का cos, बाद में 3x, 3x का, बाद में साइन 3x कॉमन, e रेस टू का डेरिवेटिव e रेस टू, और e रेस टू का पावर क्या है 4x का डेरिवेटिव, 4x का डेरिवेटिव 4 क्यों होता है और 3x का डेरिवेटिव 3 क्यों होता है, क्या करेक्ट, दिस इज द राइट आंसर। याद रखो ऐसा है, नहीं आ रहा ना इसमें से जानने की कोशिश करो क्यों ऐसा हुआ है। देखो जब हम लोग 12th पढ़ रहे थे, बोर्ड्स पढ़ रहे थे, तो हर एक चीज सिस्टमैटिक लिखते थे, तो वहां पे टाइम ज्यादा वेस्ट होता था, सीखने को कम मिलता था और लिखने को ज्यादा होता था। अभी क्या है ना, लिखने को कम है सीखने को ज्यादा है, इसलिए आप जितना चाहिए उतना डाउट पूछ करके इसमें अपना डाउट क्लियर कर सकता है। समझ में आया क्या, छोटी छोटी चीजें भी यहाँ पे सीख सकते हो, यही चीज मैं आपको एंट्रेंस पे फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ। देखो ये आ गया, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर लिया, अब जब सेकेंड टाइम हम लोग डेरिवेट करने जाएंगे उसके पहले क्या करते हैं, क्या कॉन्स्टेंट का दोनों में से कॉमन क्या रहा है, राइट, ये आ गया dy by dx,
डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। देखो आप ध्यान से ई रेस टू फोर एक्स का थ्री कॉमन कॉस थ्री एक्स का डेरिवेटिव और थ्री एक्स का थ्री एक्स का डेरिवेटिव थ्री क्यों होता है क्योंकि थ्री आ गया कॉन्स्टेंट और एक्स का डेरिवेटिव राइट फोर एज इट इज साइन थ्री एक्स का क्या आएगा और थ्री एक्स का क्या आएगा प्लस ये आएगा कॉमन ई रेज टू फोर एक्स का डेरिवेटिव और फोर एक्स का करेक्ट है। देखो ये डिफरेंशिएट हो गया अब क्या कॉमन दिखता है सब में से e raise to 4x बड़े ब्रैकेट में सबको लिखना है 3 3 are 9 minus 9 sin 3x 4 3 are 12 cos 3x plus 3 cos 3x plus 4 sin 3x लेकिन ये 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई करना था तो 4 3 का कितना हो गया ये 12 और 4 4 का कितना हो गया ये 6 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको फाइनल आंसर लिखना है इन दोनों को साथ में सबट्रैक्ट करके लिख देंगे और इन दोनों को साथ में ऐड करके लिख देंगे राइट ना। तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7 sin 3x और 12 प्लस 12 कितना आएगा 24 cos 3x दिस इज योर आंसर। tan inverse x का डेरिवेटिव अब इसको अगेन डेरिवेट किया देखो ध्यान से एक इस फॉर्म में आएगा 1 अपॉन f ऑफ x 1 अपॉन f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है इनटू d बाय dx ऑफ f ऑफ x कितना आ गया ये 2x तो माइनस 2x। देखो हो सकता था इसमें प्रूफ भी हो सकता था लेकिन वहां पे प्रूफ नहीं दिया है सिंपली क्या बोला है फाइंड आउट डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अगर प्रूफ होता तो हम लोग इसको इधर लेके जाते और फिर उसको अगेन डिफरेंशिएट करते राइट ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा बोल रहे हैं कि इसको यू बाय वी रूल से सॉल्व कर सकते क्या। देखो यू बाय वी रूल कब अप्लाई होता है जब न्यूमरेटर में भी फंक्शन होता है डिनोमिनेटर में भी फंक्शन होता है। यू वी रूल कब अप्लाई करते हैं जब भी दोनों टर्म फंक्शन होता है। हम लोग इसमें यूवी रूल क्यों नहीं अप्लाई किया थ्री और ई रेज टू थ्री एक्स में क्योंकि एक क्या था कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट हमेशा डी बाई डी एक्स के पहले आ जाता है तो इसको यूवी अप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ता। इसमें क्यों हम लोग ने यूवी अप्लाई किया क्योंकि दोनों फंक्शन है जब भी दो टर्म फंक्शन में होता है तो यूवी अप्लाई करने का जब दोनों टर्म फंक्शन होगा तो यू वाई वी रूल अप्लाई करेगा जब दोनों में से कोई एक कांस्टेंट होगा और एक फंक्शन रहेगा तो उसको डिफरेंशिएट मतलब उसको यू वी रूल या यू वाई वी रूल अप्लाई करने का जरूरत नहीं है आप डायरेक्ट उसको डिफरेंशिएट इज दैट क्लियर। ये बात आपको पता होना चाहिए कि कहां पे अपने को यू वी रूल अप्लाई करना है कहां पे यू वाई वी अप्लाई करना है और फिर और एक फंक्शन तो उसमें यूवी अप्लाई करने का जरूरत नहीं। समझ में आया अरे समझ में आया डिविजन में जब भी दो फंक्शन डिविजन में होता है तो u by v rule अप्लाई करना होता है लेकिन जब ये दो टर्म u डिवीजन में होता है उसमें से एक कांस्टेंट रहता है तो उसको हमको u by v rule अप्लाई करने की जरूरत नहीं है आप डायरेक्ट उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर गलती से आपने uv और u by v rule अप्लाई किया तो भी आंसर आपको राइट ही मिलेगा बट डिफरेंशिएट प्रॉपर्ली करना समझ में आया क्या जैसे 3 5 1 ये सब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो जरूर होगा आंसर सेम ही है।
चलो फटाफट लिखो आज जल्दी फटाफट लिखो जल्दी जल्दी हो गया लिखे हो गया लिखे सबका हो गया लिखे Thank you.
सबका हो गया आंसर 324। मैंने दोनों सम लिखा है, वो वाला सम u by v रूप, क्यों u by v, क्योंकि ऊपर x है और नीचे भी x है, और ये दोनों टर्म में जो अप्लाई करना है u v रूप, तो u v, बिकॉज़ दोनों साइन ऑफ x के फॉर्म में साइन ऑफ x राइट, तो इसमें u by v रूप अप्लाई करो, इसमें u v रूप अप्लाई करो और दोनों बार डिफरेंशिएट। Differentiate twice. एक बार इसका यू बाय वी रूट देख लो सब लोग, देखो इसको अगर मैंने यू बाय वी रूट अप्लाई किया तो ये आ गया वी स्क्वायर वी एक्स का डेरिवेटिव किया तो कितना आएगा वन माइनस एक्स, और जब हम लोग v को डेरिवेट करेंगे तो कितना आएगा 2x माइनस थ्री। नाउ ओपन द ब्रैकेट,
ये और ये गेट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू समझा तूने क्या मिस्टेक किया तू भी अब इसको फिर से डेरिवेट करने का देखो इसको जब हम लोग फिर से डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये देखो ये टर्म ये रेस तो कितना हो जाएगा जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कितना आएगा माइनस ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू अब जब इसका हम लोग डेरिवेटिव लेने जाएंगे तो कितना आएगा टू टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू और बाद में जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा टू एक्स माइनस थ्री राइट अब आपको क्या करना है पूरा ब्रैकेट ओपन करके इसको सॉल्व करना है देखो ये है ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी दैट क्लियर ऐसा ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना फिर जो भी आएगा आंसर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करने का पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बाद में जो आता है इन दोनों को लेकिन ब्रैकेट अच्छे से यूज करो सिंप्लीफिकेशन अच्छे से करो ठीक है चलो आपने तो कुछ नहीं आता कुछ यूज कर आपने तो कुछ नहीं आता कुछ नहीं छापने से कुछ आएगा ही नहीं उत्तर इंटर्न छापने से किसी का कुछ नहीं आता एग्जाम में भी कॉपी नहीं कर सकता है सबका अलग अलग पेपर होता है ये भी क्या है ये भी क्या है स्क्वायर भी है ना इसका क्या इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा ये एफ ऑफ एक्स रेस टू टू है टू टाइम्स इसका डेलीवरी ओपन करना है Thank you.
जो भी आएगा आंसर उस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई, पूरा ब्रैकेट ओपन कर दो। जब इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो इस माइनस के वजह से सबका साइन जो कट गया, जो बच गया वो तुम्हारा आंसर। बातें नहीं Thank you.
ये हो गया लिख के अभी ये देखो इसमें क्या अप्लाई करना है यू बी ये रहा यू और ये रहा बी डी वाई बाय डी इज इक्वल टू U as it is, cos को derivative किया तो minus of sin phi. देखो बहुत सारे स्टूडेंट ना ऐसा जब माइनस आता है तो ब्रैकेट यूज नहीं करते. देखो ये दोनों टर्म मल्टीप्लीकेशन में है और आपने अगर ब्रैकेट इसको यूज नहीं किया तो इसका मतलब पूरा चेंज हो जाता है. इसका मीनिंग क्या हो गया कि दोनों माइनस में आ गया. समझ में आया क्या? तो ये स्टेप में ही रॉन्ग हो गया आपका. आगे का कोई स्टेप चेक ही नहीं करेगा भले से राइट हो या रॉन्ग हो. समझ में आ रहा है? जब ऊपर वाला स्टेप राइट होता है तो ही नीचे वाले को चेक किया जाता है. अगर ऊपर वाला ही स्टेप रॉन्ग हो गया तो भले से आपका आंसर राइट है नोबडी विल गोइंग टू चेक. इज दैट क्लियर? तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेगा और फाइव एक्स का डेरिवेटिव प्लस कॉस फाइव एक्स एज इट इज साइन थ्री एक्स का डेरिवेटिव और थ्री एक्स का डेरिवेटिव. ठीक है, ओके. अब क्या करना आपने को देखो माइनस फाइव साइन थ्री एक्स साइन फाइव एक्स प्लस थ्री कॉस फाइव एक्स कॉस थ्री एक्स. राइट, देखो कोई फॉर्मूला भी हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का एंगल डिफरेंट डिफरेंट है. तो क्या करना पड़ेगा आप लोग को अभी अगेन डिफरेंशिएट. अगेन डिफरेंशिएट किया फिर से यू भी लगाना पड़ेगा. ये रहा यू ये रहा बी आई थ्री साइन का कॉस
और सी आ गया ब्रैकेट बाहर cos 5x as it is cos 3x का माइनस sin 3x और 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस cos 3x as it is cos का आगे कितना आएगा माइनस sin 5x और ये आ गया 5x का 5 नाउ ओपन द ब्रैकेट पूरा का पूरा ब्रैकेट आपको अच्छे से ओपन करना पड़ेगा देखो 5 का कितना आ गया माइनस 25 साइन 3x कॉस 5x ये आ जाएगा अगेन माइनस 50 ये आ गया 3 3 9 और ये आ गया 3 5 15 देखो कोई टर्म सेम सेम दिख रहा है क्या सब अलग अलग है हाँ ये दोनों सेम सेम है ना और आई थिंक ये दोनों सेम सेम है तो देखो ये कितना आ गया माइनस 25 माइनस 9 कितना आता है माइनस 34 कॉस 5x साइन 3x और माइनस 15 और माइनस 15 कितना होता है माइनस 30 साइन 5x कॉस 3x ये आ गया वैल्यू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स इज दैट क्लियर को एंट्रेंस एग्जाम में ना डेरिवेटिव से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लास्ट में सिंप्लीफाई करना क्योंकि बोर्ड एग्जाम के समय बस आपको डेरिवेट करना होता है आपने डेरिवेटिव किया डेरिवेटिव राइट है मतलब यू आर एलिजिबल फॉर 50% मार्क्स भले से आंसर रॉन्ग हो समझ में लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा नहीं चलता है क्योंकि उसको वो आपको ऑप्शन मार्क करना है जो उसको चाहिए आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा मार्क्स आया तो आपको मिलेगा मार्क्स अगर आपका राइट आया तो मार्क्स मिलेगा अदरवाइज कितना भी सॉल्व करो कर सकते हैं देखो मैंने पहले बोला था कि अपने को ऑप्शन वो चाहिए रहता है जो उनको चाहिए राइट है ना अपना आंसर नहीं चलता है अगर देखो हम लोग ने डेरिवेट किया सिंपलीफाई किया ये अपना आंसर है लेकिन उनको ये नहीं चाहिए आंसर उनका ऑप्शन अलग है तो अपने को उस फॉर्म में इसको पहले सिंपलीफाई करना पड़ेगा कैसे सिंपलीफाई होगा सब लोग यहाँ पे ध्यान दे रहे देखो क्या करना पड़ेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 17 इंटू 2 cos 5x sin 3x minus 15 into 2 पटकी खाएगा इधर पढ़ा रहा हूँ इधर ध्यान दे हाँ ये बजाऊंगा अभी झूठ बोला तो तेरे को पहले ही बोला नहीं पढ़ना है जाके बाहर बैठ हाँ तो इधर देख टू साइन 5x cos 3x देखो अब ये कौन सा फॉर्मूला इसमें आने वाला है ये किस फॉर्म में है 2 cos a sin b और इधर क्या आएगा 2 sin a cos b 2 cos a sin b का फॉर्मूला होता है sin a plus b minus sin a minus b इधर होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी
तो देखो ये आएगा माइनस 17 ब्रैकेट साइन ए प्लस बी किया तो 5x प्लस 3x कितना आ जाएगा 8x और 5x माइनस 3x कितना आ जाएगा 2x माइनस 15। देखो ये वाला फॉर्मूला तो 5x प्लस 3x कितना आ गया 8x और 5x माइनस 3x कितना आ गया। नाउ ओपन द ब्रैकेट तो माइनस 17 साइन 8x प्लस 17 साइन 2x माइनस 15 साइन 8x माइनस 15 साइन 2x राइट ना। ये देखो तो माइनस 17 और माइनस 15 कितना आ गया माइनस 32 साइन 8x प्लस 17 माइनस 15 कितना आ गया 2 साइन 2x राइट। अब इसको अरेंज कर दो अपने पॉजिटिव को पहले लिख लो नेगेटिव को बाद में 2 साइन 2x माइनस 32 साइन 8x ये आपका आंसर और ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है ये डी डी इज द राइट ऑप्शन ठीक है। तो देखो मैंने पहले बोला कि एंट्रेंस एग्जाम में डेरिवेटिव से भी इंपॉर्टेंट होता है सिंपलीफिकेशन। एक बार आपने डेरिवेटिव कर लिया उसके बाद आपको सिंपलीफाई करने आना चाहिए क्योंकि एंट्रेंस में आंसर आपका नहीं चलता है उनको जो चाहिए वो आपको लाना है। डेरिवेटिव में आपका आंसर चलता है आपका डेरिवेटिव करेक्ट है आपको मार्क्स मिलना ही मिलना है। इज दैट क्लियर। देखो फटाफट राइट ऑन पास अब मैं डेरिवेटिव मतलब जो पैरामेट्रिक का पैरामेट्रिक में हम लोग ने पढ़ा है उसका भी डबल डेरिवेटिव होता है जो हम लोग का हायर ऑर्डर में पढ़ा है उस टाइम पे सम्स लेता हूँ जल्दी भी करो आप फास्ट तो भी नहीं पढ़ना है तो जा सकता है प्रोजेक्ट का लेक्चर के बाद पढ़ाने बाद से लेक्चर में खाली जो जो सब्जेक्ट का लेक्चर रहता है ना उसका बातें करने का इसमें वो जो जैसा मैंने शॉर्टकट लिख के दिया था ना हायर ऑर्डर का प्रूफ वाला वो टाइप का क्वेश्चन एक्चुअली आपके इस वाले पार्ट में चाहे क्रिटिकल में या क्लासिकल में नहीं दिया है वो टाइप का क्वेश्चन ना लेकिन एंट्रेंस जो कॉम्पिटिटिव है ना उसमें दिया हुआ है मतलब जो एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है उस टाइप का वो देखेंगे हम लोग पहले अभी पैरामेट्रिक का थोड़ा करते हैं फिर उसके बाद उसमें जाते हैं पर जल्दी करो फटाफट Thank you.
Thank you.
तो देखो एवरी सम में आपको ऐसे ही करना है, इसमें पहले डिवाइड बाय डीएक्स निकालना है, फिर अगेन डिफरेंशिएट करना है, और फिर यहाँ पे डीटी का एडजस्टमेंट करना है, यहाँ पे वन बाय डीएक्स बाय डीटी के वैल्यू पुट करना है, और जो भी यहाँ पे आएगा उसको डिफरेंशिएट करना है। इज दैट क्लियर? तो इसको फटाफट कॉपी कर लो और फिर मैं कुछ समझ देता हूँ, इसको ट्राई करो। हाँ, क्वेश्चन टी के फॉर्म में भी हो सकता है, थीटा के फॉर्म में भी हो सकता है, राइट? Thank you.
ये सॉल्व हो गया dy by dx अपॉन dx by dθ देखो इसको डेरिवेट किया a y का डेरिवेटिव 0 cos का माइनस साइन ये हो जाएगा a 1 माइनस cos θ ये दोनों हो गया कैंसिल देखो ये आएगा 2 sin theta by 2 cos theta by 2 upon 1 minus cos theta होता है 2 sin square theta by 2 ये हो गया cos theta by 2 देखो जो अपना आंसर है वो किस फॉर्म में दिया है पहले जो भी सही है हाफ एंगल में ही दिया है मतलब ये करेक्ट जा रहे हैं हम लोग अगेन डिफरेंशिएट तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे ये देखो एडजस्टमेंट किया जाएगा डी थीटा बाय डीएक्स कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है और ये आ जाएगा 1 by 2 क्योंकि थीटा by 2 का डेरिवेटिव 1 by 2 और इसको लिखेंगे हम लोग 1 upon ये आ गया minus half देखो dx by d theta का वैल्यू कितना है a 1 minus cos theta 1 minus cos theta का क्या होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू ये टू और ये टू आ गया फोर माइनस अपॉन में आएगा फोर ये साइन स्क्वायर वन अपॉन साइन स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर और ये कॉसेक स्क्वायर आ जाएगा कॉसेक रेस टू फोर थीटा एंड दिस इज योर फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन अरे सच में ये नहीं दिया ना इन्होंने ये जो होता है ना वो स्टार्टिंग में कट हो जाता है दूसरी बार जब dx / dθ की वैल्यू पुट करेगा तो वहां पे ये तो आएगा एक दिन का
Thank you.
This is 3 by 2. dx by dt की वैल्यू कितना है 2t. यह आ गया 3 by 4t. कहीं पे अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो.
ऐसा फॉर्म जहाँ पे नहीं समझा हो प्लीज आस्क। पी को थ्री के साथ नहीं लिखने का, कांस्टेंट हमेशा बाहर कर देने का ना। थ्री टी है अगर, फोर टी है, फाइव टी है, फाइव आई है, कुछ भी कांस्टेंट है तो हम लोग एक्स का डेरिवेटिव हम लोग क्या लिखते हैं, थ्री को बाहर करते हैं और एक्स को डेरिवेट करते हैं। सेम वैसा ही थ्री टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, थ्री बाहर जाएगा और थ्री का डेरिवेटिव। देखो dy by dx का वैल्यू कितना, dy by d theta upon dx by d theta, phi का v cos theta upon, ठीक है, ये आ जाएगा minus v by a cos theta, d by dx of माइनस बी बाय ए एज इट इज, यहां पे लिखेंगे डी बाय डी थीटा एडजस्टमेंट, और आप इधर चीज को डायरेक्ट लिख सकते हो, ये आ गया माइनस बी बाय ए कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा वन अपॉन, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, राइट ना। ये देखो आप, और ये कितना आ जाएगा a इंटू a स्क्वायर, और ये आ गया साइन क्यूब। देखो मैंने साइन क्यूब के फॉर्म में क्यों अरेंज किया, रीजन इज दैट क्योंकि क्वेश्चन में जो लिखा है ना y के फॉर्म में आंसर चाहिए उसको, किसके फॉर्म में चाहिए, y के फॉर्म में। तो देखो y के फॉर्म में साइन है ना, तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, y upon b, यहाँ पे वैल्यू क्यूब करना है, तो b by a square y cube upon b cube, y cube upon b cube, तो ये चला जाएगा ऊपर, right? तो ये आ जाएगा b into 4 a square y cube, so answer। हाँ तो देखो तीन माइनस है ना, तो एक माइनस है क्योंकि दो माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तीसरा माइनस एक बचेगा, राइट। अब देखो ये सेम क्वेश्चन एमएसटी सीईटी 2010 में भी आया है, सेम क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में जाके देखोगे तो 2010 में सेम क्वेश्चन आया, खाली चेंजेस क्या किया है लास्ट में, पुट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 लिखा है, थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, एक चेंजेस और भी किया है,
यहाँ पे x इज इक्वल टू a cos थीटा है, उसमें x इज इक्वल टू a sin थीटा है, और वहां पे y इज इक्वल टू b sin थीटा है, उसमें b cos थीटा है, मतलब sin की जगह पे cos, cos की जगह पे sin, और लास्ट में बोला है थीटा की जगह पे pi by 4 रूट करने का, ऐसा MSTC के पूर्ण का सेट है, राइट। सेम सेम क्वेश्चन है, कुछ ऐसा अलग नहीं है, आप चाहिए तो इवनिंग के लेक्चर तक ये कॉम्पिटेटिव वाला सारा ट्राई करके आ सकते हो इवनिंग के लेक्चर में, राइट। मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाला हुआ है, खाली कॉम्पिटेटिव का हायर ऑर्डर कर लिया, समझ में आया क्या, कर लोगे आप 100% ट्राई करके आओ, जो भी रहेगा इसमें जो डाउट वगैरह नहीं आया वो पूछ लो। लिखे हो गया क्या, एक दो में थोड़ा प्रूफ वाले सम भी ले लेते कर दो ना, ये हुआ जल्दी लिख जल्दी। देखो ए वो शॉर्टकट जो मॉर्निंग को लिख के दिया था ना उसमें एक और भी लिख लो, दो शॉर्टकट और उसमें रह गया ना। पता है कितना बढ़ता है देखो हम लोग ने ऑलरेडी इम्प्लिसिट फंक्शन में शॉर्टकट लिखा था, दिस इफ दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज गिवन टू यू तो डिवाइड बाय dx का आंसर क्या आता है, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा डबल डेरिवेटिव इज ऑलवेज जीरो, जो भी फंक्शन जिसका dy by dx y by x आता है उसका डबल डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, ठीक है। और एक और भी हम लोग ने पढ़ा था इम्प्लिसिट में, x raise to t y raise to q x plus y raise to t plus q then dy by dx equal to y by x, और जब y by x होता है डबल डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, जीरो। ये लिख लो ना थोड़ा जल्दी से, आपके कॉम्पिटिटिव में दिया है ऐसा क्वेश्चन, x स्क्वायर y क्यूब इज इक्वल टू x प्लस y रेज टू 5, देखो ये वाला शॉर्टकट p q p प्लस q, यहाँ पे p और q की वैल्यू कितना दिया है 2 3, 2 प्लस 3 5 आ गया, अगर dy by dx पूछता तो हम लोग बोलते हैं y by x,
लेकिन उसने क्या पूछा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो आंसर क्या टिक करेंगे हम लोग, निकलो तो जल्दी फटाफट इसका मुद्दा